चलिए देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यू, व्हाट इज द नेचर ऑफ द एक्सलेशन टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी। कल आपने यही क्वेश्चन लगभग मुझसे पूछा था, याद है आपको? हाँ, चलिए देखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, मतलब s इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, तो s इज इक्वल्स टू हो जाएगा के टी क्यूब। बोलिए सुनो, नाउ वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डी एस बाई डी टी, सो इट विल बी डी बाई डी टी एंड s की वैल्यू है के टी क्यूब, तो k कॉन्स्टेंट, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t स्क्वायर। बोलो हर्षिका, ठीक है? तो ये हो गया 3kt स्क्वायर, ये आ गई वेलोसिटी। अब एक्सेलेरेशन निकालना है। नाउ एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, सो डी बाई डी टी ऑफ 3kt स्क्वायर, 3k कांस्टेंट और टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, सो आंसर हो गया 6kt। सो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 6kt। आप कह सकते हो कि एक्सलेशन इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, सो व्हाट इज़ द एक्सलेशन टाइम ग्राफ। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिंगल पावर के, तो ग्राफ कैसा जाता है बेटा? स्ट्रेट लाइन। तो एक्सलेशन टाइम ग्राफ यहाँ पे कैसा जाएगा? स्ट्रेट लाइन जाएगा। डन। ये देखो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, क्लियर ना? और कौन सा क्वेश्चन? 88 ये वाला, ठीक। कह रहा है कि आपको एक सिचुएशन सजेस्ट करना है इस टाइप के ग्राफ के लिए, ठीक है ना? चलिए सिचुएशन सजेस्ट करता हूँ मैं। मान लो हर्षिका तुम्हारे हाथ में बॉल है और तुम बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करती हो, तो वेलोसिटी बढ़ती है कि घटती है? अच्छा, यस। तो आपने, ये टाइम है, किसी मोमेंट पर 0 सेकेंड पर आपने बॉल को थ्रो किया, तो वेलोसिटी क्या होगी? घटेगी। क्या होगी वेलोसिटी? क्योंकि एक इनिशियल वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से आपने बॉल छोड़ी, तो 5 से घट करके टॉप पॉइंट पर बॉल पहुंचेगी, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? एट द हाईएस्ट पॉइंट 0। उसके बाद बॉल अपनी डायरेक्शन क्या कर लेगी? रिवर्स कर लेगी, और वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। यस और नो? ओके। बेटा पावर कट हो गया है, तो आपके पास ग्राफ तो दिख रहा ना सामने? हाँ। अब देखो, तो जो ग्राफ में जिस फ्लो में बना रहा था, उस ग्राफ को आप नीचे की तरफ ले करके आ जाइए, नीचे की तरफ, ठीक है ना? डाउनवर्ड, उसी अंदाज में, ठीक है? हाँ, नीचे तक आ गया, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिवली इंक्रीज करेगी जब तक बॉल टकराती नहीं है। हाँ या ना? एक फाइनल नीचे तक बॉल गई है, जैसे बॉल जमीन पर टकराती है, बॉल फिर कहाँ की ओर भागती है? ऊपर की ओर। यस और नो? मतलब वेलोसिटी सडनली चेंज हो करके एकदम ऊपर पहुंच गई है। ब्लैक वाले ग्राफ में देखिए, बिल्कुल ऊपर पहुंच गई, और फिर बॉल फिर से स्लो होना शुरू हो जाएगी, हो जाएगी ना? हाँ। तो ग्राफ उसी लाइन में फिर से पैरेलल बनेगा, बनेगा ना? क्लियर? तो लगातार बॉल टक 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 होती जाएगी, और ये छोटे छोटे पैटर्न बनते जाएंगे। यस और नो? हाँ। तो अब आप देख लीजिए पीपीटी में, सो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन किसकी है? ये बॉल को अपवर्ड थ्रो करने की है और जमीन से टकरा करके रिबाउंड होने की है, ठीक है ना? और कौन सा क्वेश्चन डाउट है?
चलिए तो और कंटिन्यू करिए, सारे क्वेश्चन करते जाओ और पूछते जाओ। ओके।